गजरौला में अवैध प्लांटिंग पर एसडीएम विवेक यादव द्वारा चला बुलडोजर। जनपद अमरोहा के गजरौला में उप जिला अधिकारी विवेक यादव के नेतृत्व में अवैध प्लांटिंग पर चलाया गया बुलडोजर। भारी पुलिस बल और पुलिस क्षेत्र अधिकारी रहे मौजूद। बता दें आपको, अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा तहसील क्षेत्र के उप जिला अधिकारी विवेक यादव के निर्देशन में गजरौला क्षेत्र के अंतर्गत बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध प्लांटिंग के खेल पर बुलडोजर चलाने के लिए कार्यवाही की गई। एसडीएम विवेक यादव ने सीओ सत्येंद्र सिंह को साथ लेकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के जूनियर इंजीनियर और भारी पुलिस बल व कर्मचारियों की मौजूदगी में इस कार्यवाही को कराया और अवैध प्लांटिंग को ढाया गया। इस पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान अवैध प्लांटिंग का काम कर रहे कुछ भूमाफिया भी दिखाई दिए, जो प्रशासन को देखकर फरार हो गए। इस पूरे मामले में एसडीएम विवेक यादव ने बुलडोजर चलाने के बाद चिन्हित करके भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। तिलान क्षेत्र में ये गजरौला इंडस्ट्रियल एरिया जो हमारा आता है, यहाँ पर ऐसी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी कि लोगों द्वारा बिना सब डिविजन लेआउट पास कराए अवैध कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं। सरकार के जैसे दिशा निर्देश हैं कि अवैध कॉलोनी कर्ता जितने भी हैं और ऐसी साइट्स पर कड़ी कार्रवाई की जाए, उसी के क्रम में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से आदेश जारी करवाते हुए आज ये सलारपुर गांव में एक साइट है, वहां पर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई जा रही है। अच्छा सर, सुनने में आया कि और भी जैसे अवैध रूप से चले हैं, जैसा सरकार स्तर से स्पष्ट दिशा निर्देश है कि अवैध रूप से प्लॉटिंग करने वाले लोगों के विरुद्ध और ऐसी साइटों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, वो कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है और जो रिपोर्ट है वो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को लगातार भेजी जा रही है।